है ना, उसका दोस्तों वर्ल्ड 3 ऑनलाइन एग्जाम में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे आप संतुष्ट होंगे। थोड़े भी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी न्यूज निकल के आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, बिहार का रिजेंस स्लिप मेरे पास आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी देंगे क्यों उनको रिजेंस स्लिप सेंड की है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं बिहार का रिजेंस स्लिप के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मेरे पास जो कि SSC GD की रिजेक्शन स्लिप बिहार से आई है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है, अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा क्यों इनको रिजेक्शन स्लिप सेंड की गई है, क्या कमी रह गई है इनकी, जो इन्होंने RME के लिए अपील किया था उसमें क्या कमी रह गई है जिसके कारण इनको रिजेक्शन स्लिप मिली है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे और बने रहिए 1-2-3 ऑनलाइन एग्जाम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि CRPF मुकमा घाट पटना बिहार से ये आया है और ये डिस्पैच डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 मार्च 2020 को ये डिस्पैच किया गया है, यानी कि ये आपको 20 मार्च को सेंड किया गया है। अभी कुछ कमेंट आएंगे कि ये लॉकडाउन में भी आपको ये रिजेक्शन स्लिप मिल रही है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो है कि पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है लॉकडाउन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और बैंक और पोस्ट ऑफिस उनका चालू है, ठीक है। तो ये रिजेक्शन स्लिप अभी भी सेंड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पे इनका रोल नंबर, कुछ पर्सनल डिटेल थे यहाँ पे, ठीक है, जिसको हाइड किया गया है और आगे मैं आपको दिखाता हूँ इनके रिप, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, अपील फॉर RME ऑफ कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2018 थ्रू SSC यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर नीचे लिखा हुआ है योर अपील फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल GD मेल फीमेल थ्रू कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ CFP फॉर द ईयर 2018 इज रिजेक्टेड बाई द अपीलेट बोर्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। इस कारण आपकी जो है फॉर्म को रिजेक्शन स्लिप मिली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी जानकारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या लिखा गया है इनकी, क्यों किस कारण इनको जो कि रिजेक्शन स्लिप मिली है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ कंसर्न्ड फील्ड स्पेशलिस्ट नॉट अटैच, जिनमें इनको पॉइंट मिला था, ठीक है, जिस चीज में इनको पॉइंट मिला था उससे इनको इनको एक अपील में जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है फॉर्म नंबर 3 इनको सेंड करना था, ठीक है। उससे अपने जब इन्होंने अपील किया था उसमें इनको अटैच करके फॉर्म नंबर 3 अभी हमको आपको दिखाएंगे कि फॉर्म नंबर 3 क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इनको वहां पे डिस्पैच करना था, लेकिन इन्होंने वहां पे इनको सेंड नहीं किया अपने थ्रू, ठीक है, अटैच करके उस पर सेंड नहीं किया। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूं कि किस किस कारण आपकी रिजेक्शन स्लिप आ सकती है। यहाँ पे 2 नंबर दे सकते हैं कि फोटो एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन नॉट फिक्स अटेस्टेड इन फॉर्म नंबर 3, अगर आपका फॉर्म नंबर 3 में आपका फोटो यानी जो डॉक्टर से सिग्नेचर नहीं कराए हैं और अपना थंब अटैच नहीं किया उस पर, तब भी आपको रिजेक्शन स्लिप मिल सकती है। और यहाँ पे 3rd नंबर पे अपील नॉट रिसीव इन ऑफिस ऑन ड्यू डेट, यानी कि जब आपकी जो डेट होती है 15 दिन की, आपकी जो फिक्स डेट दी होती है 15 दिन के अंदर अगर आपकी जो अपील है वो ऑफिस को यानी कि DME सेंटर को अगर नहीं मिलती है तब भी आपको रिजेक्शन स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर DME सेंटर के पास पहुंचना बहुत जरूरी होता है आपका, ठीक है, अपील, ठीक है। चलिए और उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4th नंबर पे देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट नॉट अटैच, यानी कि अगर आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है यानी कि जो DD है अगर आपने उसको भी नहीं सेंड किया इसके अकॉर्डिंग भी आपको रिजेक्शन स्लिप आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे इफ़ एनी डिफरेंसी नोटिस, यानी कि अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है आपके फॉर्म फिलअप करते टाइम या तो आपकी अपील करते टाइम तब भी आपको रिजेक्शन स्लिप मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो 5वें नंबर में इस पर यहाँ पे उन्होंने उनको फिल करके आपको सेंड कर देनी है, ठीक है। चलिए तो और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये मुकमा घाट CRPF से है, ठीक है, और यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है कि 20 मार्च 2020 को ये डिस्पैच किया गया। अब आपको दिखाते हैं उनका फॉर्म, ठीक है। चलिए तो कौन सा फॉर्म है उस पर अकॉर्डिंग आपको इस पर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेंगे और ये जो फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर्म नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टेबल GD एग्जाम 2018 मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि यही जो सर्टिफिकेट है इनको वहाँ पे अटैच करना था, ठीक है, अटैच करके इस साथ में सेंड किया करना था इनको, चूँकि अपने जब
की है, तब इनको ये सात पे फॉर्म को अटैच करके सेंड करना था, ठीक है। यहाँ पे जो कि मेडिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो आप जब आपकी जो CMO से आपने जो करवाया है, लिखवाया है यहाँ पे कि आप फिट हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी आपको अटैच करना था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अटैच नहीं किया था, ठीक है। चलिए, तो आज की बस वीडियो में यही सब था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी न्यूज़ निकल के आए आप लोगों को सबसे पहले 1, 2, 3 ऑनलाइन एग्जाम पे मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।